Namaste everyone. I am Sapna Gupta and I am here with a special type of linear inequalities, that is linear inequalities involving modulus. That is, today we will learn how we can solve linear inequalities involving modulus. Right, so let's get started. ओके स्टूडेंट्स, तो बात करते हैं कि आज हम किन स्पेशल टाइप की लीनियर इनइक्वालिटीज़ की बात करने वाले हैं इन्वॉल्विंग मॉडुलस. और वो इनइक्वालिटीज़ हैं डेट इज इनइक्वालिटीज़ ऑफ टाइप मॉड ए एक्स प्लस बी लेस देन इक्वल टू के, मॉड ए एक्स प्लस बी लेस देन के, मॉड ए एक्स प्लस बी ग्रेटर देन और इक्वल टू के, मॉड ए एक्स प्लस बी ग्रेटर देन के, एंड हेयर ए इज़ नॉट इक्वल टू जीरो, के ग्रेटर देन जीरो, एंड ए बी के, दीज आर रियल कॉन्स्टेंट्स. राइट, तो आज कुछ इस स्पेशल टाइप की लीनियर इनइक्वालिटीज़ की हम बात करने वाले हैं. लेकिन स्टूडेंट्स, यहाँ पर सबसे पहले मैं एक पर्टिकुलर केस की सबसे पहले बात करूँगी और उसी पर्टिकुलर केस की हेल्प से हम बाकी जो केसेस हैं उनको सॉल्व कर सकते हैं. और वो पर्टिकुलर केस है, इफ़ वी टेक ए वन एंड बी इज़ इक्वल टू ज़ीरो, तो आप देख सकते हैं कि जो चारों की चारों लीनियर इनइक्वालिटीज़ हैं वो इसमें कन्वर्ट हो जाएंगी. डेट इज़ फर्स्ट वन, मॉड ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू के, देन मॉड एक्स लेस देन के, देन मॉड इज ग्रेटर देन और इक्वल टू के, एंड फोर्थ वन विल बी मॉड ऑफ एक्स ग्रेटर देन के. तो ये अपने आप में बड़े इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं. सबसे पहले रिजल्ट्स के बारे में डिस्कशन करेंगे, ठीक है, और उसके बाद हम डिफरेंट केसेस की बात करेंगे कि जब हमारा जो ए है वो वन के अलावा कुछ और भी हो सकता है, बी जीरो के अलावा कोई और वैल्यू, कोई और रियल वैल्यू ले सकता है. राइट, तो सबसे पहले एक बार रिजल्ट्स को देख लेते हैं. सो मॉड ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू के, दिस इम्प्लाइज जो एक्स है, एक्स की रेंज क्या होगी, डैट विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू माइनस के एंड लेस देन और इक्वल टू के. सिमिलरली अगर यहाँ पे सिंपली सिर्फ लेस आ जाता है तो सिर्फ डिफरेंस ये रहेगा कि इक्वल टू नहीं आएगा, ग्रेटर देन माइनस के, लेस देन के. नेक्स्ट, मॉड ऑफ एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू के, दिस इंप्लाइज एक्स कैन टेक वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू के और लेस देन और इक्वल टू माइनस के. एंड सिमिलरली मॉड ऑफ एक्स ग्रेटर देन के, दिस इंप्लाइज एक्स ग्रेटर देन के और एक्स लेस देन माइनस के. तो एक बार जल्दी से इनके प्रूफ देख लेते हैं कि कैसे, अगर आपको ये गिवन है तो ये रिजल्ट कैसे आएगा. लेट्स सी स्टूडेंट, सबसे पहले हम बात करते हैं अपना जो हमारा फर्स्ट रिजल्ट है, डेट इज मॉड ऑफ एक्स लेस देन के, लेस देन और इक्वल टू के. ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले हमें पता है कि मॉड एक्स की डेफिनेशन क्या होती है. वी नो मॉड ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स इफ एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो एंड इज इक्वल टू माइनस एक्स इफ एक्स लेस देन जीरो. ओके, तो दिस इज डेफिनेशन ऑफ मॉडुलस एक्स, मॉड ऑफ एक्स, मॉडुलस फंक्शन. तो इसी डेफिनेशन को अभी हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं, देखें कैसे. तो यहाँ पे टू केसेस अराइज होंगे. केस वन, इफ एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो, देन मॉड ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, बिकॉज अगर एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो है तो मॉड एक्स से एक्स आएगा. मॉड ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स लेस देन और इक्वल टू के. ओके, तो यहाँ से हमारे पास आ गया कि अगर x ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो है देन x क्या होगा, लेस देन और इक्वल टू के. ओके, तो इन दोनों को हम कंबाइन करके डबल इनइक्वालिटी के फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं, डेट इज़ जीरो लेस देन और इक्वल टू x लेस देन और इक्वल टू के, और इसको इंटरवल फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं जीरो कॉमा के. राइट, नेक्स्ट सेकेंड केस, इफ x लेस देन जीरो. तो अगर हम इसकी बात करें तो मॉड ऑफ x इज इक्वल टू बाई डेफिनेशन माइनस एक्स लेस देन और इक्वल टू के मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय माइनस वन, देन वी विल गेट एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू माइनस के. तो अगर हम इन दोनों को कंबाइन कर दें और डबल इनइक्वालिटी की फॉर्म में लिखें, एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू माइनस के, और वी कैन राइट माइनस के लेस देन इक्वल टू एक्स एंड एक्स लेस देन जीरो, और इंटरवल फॉर्म में हो जाएगा माइनस के कॉमा जीरो. राइट, तो फाइनली अगर हम इन दोनों को कंबाइन कर दें, क्योंकि या तो x ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो हो सकता है और x लेस देन जीरो हो सकता है, तो हमारा जो सॉल्यूशन है जो ओवरऑल होगा वो इन दोनों का यूनियन डेट इज़ जीरो कॉमा के यूनियन माइनस के कॉमा जीरो. राइट, और अगर इसी चीज़ को हमें नंबर लाइन की हेल्प से समझना है तो जल्दी से एक बार देख लेते हैं कि हमारा फाइनल सॉल्यूशन क्या होगा. स्टूडेंट, यू कैन सी हेयर, दिस इज़ जीरो माइनस के, जीरो को भी इंक्लूड करना है, के को भी, तो जीरो के दिस होल पोर्शन, एंड इन दिस माइनस के भी को भी इंक्लूड करना है, माइनस के और जीरो के बीच का पोर्शन. तो ये आपके पास ओवरऑल सॉल्यूशन आ गया, डेट इज़ माइनस के, और वी कैन राइट इट एज माइनस के लेस देन एक्स लेस देन और इक्वल टू के. तो दिस इज़ अवर फाइनल सॉल्यूशन.
तो इन दिस वे हमारा जो रिजल्ट है यहाँ पे डिराइव हो गया है, डेट इज अगर मोड ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू के है देन दिस इम्प्लाइज माइनस के लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू के। तो ये हमें हमेशा याद रखना है और कुछ और डिफरेंट टाइप की इनइक्वालिटीज़ को सॉल्व करने के लिए ये रिजल्ट यहाँ पर यूज़ होगा। सिमिलरली स्टूडेंट्स अगर मैं यहाँ पे सेकंड की बात करूँ मॉड एक्स लेस देन के, सिर्फ डिफरेंस ये है कि इसमें इक्वल टू था इसमें इक्वल टू नहीं है। तो सिर्फ डिफरेंस ये रहेगा कि अगर इक्वल टू नहीं है तो फाइनली रिजल्ट आ जाएगा माइनस के लेस देन एक्स लेस देन के, वेरी सिंपल। तो इस रिजल्ट को यूज़ करके हम इसी फॉर्म की लीनियर इनइक्वालिटीज़ को सॉल्व कर सकते हैं। लेट्स सी हाउ वी कैन यूज़ दिस रिजल्ट इन ऑर्डर टू सॉल्व लीनियर इनइक्वालिटीज ऑफ दिस टाइप। लेट्स सी, वेरी सिंपल। सपोज आपके पास एक लीनियर इनइक्वालिटी है डेट इज मॉड ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू टू, तो वेरी सिंपली आप ये रिजल्ट डायरेक्टली यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। जस्ट पुट एट द प्लेस ऑफ के टू, सो दिस इम्प्लाइज माइनस टू लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू टू एंड फाइनली इट्स सोल्यूशन विल बी दिस, वेरी सिंपल। ओके, तो वन मार्क के क्वेश्चन में ये डायरेक्टली रिजल्ट, ये जो रिजल्ट है वो डायरेक्टली यूज हो सकता है, राइट? ओके, नाउ सेकंड, मॉड ऑफ एक्स लेस देन थ्री, सो दिस इम्प्लाइज यस माइनस थ्री लेस देन एक्स लेस देन थ्री, वेरी सिंपल। ओके स्टूडेंट, तो इट इज़ वेरी सिंपल कि आप इन दोनों की हेल्प से इस टाइप की लीनियर इनइक्वालिटीज़ को सॉल्व कर सकते हैं। नाउ लेट्स मूव टू दिस टाइप ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज, दैट इज मॉड ऑफ एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू के। ओके, तो बात करते हैं लीनियर इनइक्वालिटी ऑफ दिस टाइप, दैट इज मॉड ऑफ एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू के। तो सिमिलरली फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेशन ऑफ मॉड एक्स वी नो, वैसे ही दो केस लेकर चलेंगे। सबसे पहले केस वन, इफ एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो, देन हेयर मॉड ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू के। तो स्टूडेंट्स अगर हम इन दोनों को कंबाइन करें, एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो, एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू के, तो यहाँ पे हम नंबर लाइन की हेल्प से समझ सकते हैं। जीरो से ग्रेटर जीरो है, जीरो से ग्रेटर इधर जाएगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू के इधर आएगा, तो कॉमन पार्ट हो गया एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू के। तो इन दोनों का जो कॉमन पार्ट होगा डेट इज एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू के। तो इस केस में जो सोल्यूशन है इट विल बी के कॉमा इन्फानाइट, राइट? नेक्स्ट केस टू, अगर सेकेंड केस की बात करें, डेट इज एक्स लेस देन जीरो, देन मॉड ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू के, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय माइनस वन, साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा, एक्स लेस देन और इक्वल टू माइनस के। तो सिमिलरली अगर इन दोनों की दोनों को देखें और कॉमन पार्ट की बात करें, तो लेस देन जीरो आपका इस तरफ जाएगा, लेस देन जीरो, ओके, एंड दिस इज लेट दिस इज माइनस के, लेस देन और इक्वल टू माइनस के इस तरफ आएगा, तो दिस पार्ट विल बी कॉमन, डेट इज एक्स लेस देन और इक्वल टू माइनस के। तो यहाँ पर रहेगा सोल्यूशन डेट इज माइनस इन्फानाइट कॉमा माइनस के। तो फाइनली या तो पॉजिटिव हो सकता है एक्स या फिर नेगेटिव हो सकता है, तो फाइनली सोल्यूशन या तो ये होगा या फिर ये होगा, तो इन दोनों का यूनियन हो जाएगा आपके पास फाइनली सोल्यूशन, डेट इज सोल्यूशन वापस हो जाएगा माइनस इन्फानाइट कॉमा माइनस के यूनियन के कॉमा इन्फानाइट, और वी कैन राइट डेट इज एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू के और एक्स लेस देन और इक्वल टू माइनस के, राइट स्टूडेंट? तो इट इज़ वेरी सिंपल, तो हमारे पास ये रिजल्ट आ चुका है। सिमिलरली अगर ओनली सिर्फ ग्रेटर होगा तो बस इक्वल टू साइन नहीं आएगा, बाकी सब कुछ ऐसे ही होगा। सो ये भी अपने आप में बहुत ही, दोनों ही अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि इस रिजल्ट का यूज़ करके हम कैसे इस टाइप के लीनियर इनइक्वालिटीज़ को सॉल्व करेंगे, राइट? सो लेट वी हैव मोड ऑफ एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू थ्री, तो ये रिजल्ट हम यहाँ पे डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। जस्ट पुट एट द प्लेस ऑफ के थ्री, सो दिस इम्प्लाइज एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू थ्री और एक्स लेस देन और इक्वल टू माइनस थ्री, तो वेरी सिंपल, फाइनली सॉल्यूशन विल बी थ्री कॉमा इन्फानाइट यूनियन माइनस इन्फानाइट कॉमा माइनस थ्री, वेरी सिंपल। ओके, सिमिलरली सेकेंड, मॉड ऑफ एक्स ग्रेटर देन फाइव, आप ये रिजल्ट डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं। दिस इम्प्लाइज एक्स ग्रेटर देन फाइव और एक्स लेस देन माइनस फाइव, इट इज़ फाइव कॉमा इन्फानाइट यूनियन माइनस इन्फानाइट कॉमा माइनस फाइव, वेरी सिंपल। तो यहाँ पे वन मार्क का यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है, राइट? नाउ लेट्स मूव फर्दर। चलिए तो बात करते हैं कुछ और डिफरेंट केसेस की। अभी हमने बात की थी अगर ए वन है और बी जीरो है, लेकिन अगर ए वन के अलावा कुछ और हो जाए और बी जीरो के अलावा कोई और रियल नंबर हो, तो उस केस में हम कैसे इन्हीं रिजल्ट्स का यूज़ करके इनइक्वालिटीज़ को सॉल्व करेंगे। तो लेट्स सी, आप देख सकते हैं हमारे पास जो फर्स्ट इनइक्वालिटी है डेट इज मॉड ऑफ थ्री एक्स माइनस टू लेस देन और इक्वल टू वन बाई टू, एंड द सेकेंड वन इज मॉड ऑफ फोर एक्स प्लस थ्री लेस देन थ्री। तो इन दोनों को सॉल्व करने के लिए अभी मैं इन दोनों रिजल्ट्स का यहाँ पर यूज़ करूँगी, लेट्स सी कैसे, वेरी सिंपल। तो स्टूडेंट सबसे पहले अगर हम फर्स्ट लीनियर इनइक्वालिटी की बात करें डेट इज मॉड ऑफ थ्री एक्स माइनस टू लेस देन और इक्वल टू वन बाई टू, तो कैसे हम इस रिजल्ट का यूज़ करेंगे? आपने क्या करना है, इस होल को आप एज्यूम कर लीजिए, लेट दिस होल वर्क्स एज एक्स, ये एक्स का काम कर रहा है, ठीक है? तो ये आपके पास बन गई मॉड ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू वन बाई टू, तो जस्ट ये आप इनइक्वालिटी यहाँ पे अप्लाई कर दीजिए, डेट इज
-1/2 लेस देन और इक्वल टू एक्स लेस देन और इक्वल टू 1/2। ओके चलिए, तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या काम करेंगे, सबसे पहले इस 2 को एलिमिनेट करेंगे, थ्रू आउट 2 को ऐड कर देंगे, तो -1/2 प्लस 2 लेस देन इक्वल टू 3x लेस देन इक्वल टू 1/2 प्लस 2 3/2 लेस देन और इक्वल टू 3x लेस देन और इक्वल टू 5/2। नाउ थ्रू आउट 3 से डिवाइड कर देंगे, सो इट विल बी 1/2 लेस देन इक्वल टू x लेस देन और इक्वल टू 5/6, क्योंकि हम 3 से डिवाइड कर रहे हैं। तो फाइनली अवर जो सॉल्यूशन है इट विल बी इन इंटरवल फॉर्म 1/2, 5/6, राइट। तो वेरी सिंपल, ओके। तो इन दिस वे वी कैन यूज दीज रिजल्ट्स, ओके, इन दिस टाइप ऑफ लीनियर इनइक्वालिटी, दैट इज ऑफ लीनियर इनइक्वालिटी ऑफ टाइप मॉड ax प्लस बी लेस देन इक्वल टू के। नाउ लेट्स कम टू सेकेंड टाइप, सेम बिल्कुल वैसे ही, इसको एज्यूम कर लेंगे एज ए x, सो -3 लेस देन 4x प्लस 3 लेस देन 3, नो जस्ट सब्ट्रैक्ट 3, सो इट विल बी -6 लेस देन 4x लेस देन 0। नाउ जस्ट थ्रू आउट डिवाइड बाय 4 से डिवाइड कर देंगे, तो -6/4 इट विल बी -3/2 लेस देन x लेस देन 0/4 0, सो फाइनली आवर सॉल्यूशन विल बी दैट इज ग्रेटर देन -2 लेस देन 0। वेरी सिंपल, नाउ लेट्स मूव फर्दर। ओके, नाउ कम टू दिस टाइप की, कैसे इस टाइप की लीनियर इनइक्वालिटीज़ का यूज़ करके हम और डिफरेंट टाइप की लीनियर इनइक्वालिटीज़ को सॉल्व कर सकते हैं। तो लेट्स सी, आप देख सकते हैं कि आपके पास लीनियर इनइक्वालिटी ऑफ टाइप मॉड ऑफ एक्स प्लस बी ग्रेटर देन और इक्वल टू के, और ये आपके पास लीनियर इनइक्वालिटी ऑफ टाइप मॉड ऑफ एक्स प्लस बी ग्रेटर देन के। तो लेट्स सी कैसे इसको सॉल्व करेंगे इन रिजल्ट्स का यूज़ करके। तो बिल्कुल वैसे ही, फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे जूम कर लेंगे कि ये होल यहाँ पे एक्स का काम कर रहा है, तो आपके पास बन गया मॉड ऑफ एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 4। ओके, तो जस्ट पुट एट द प्लेस ऑफ के 4 और x के प्लेस पे पुट कर देंगे 3x-2, तो ये आपके पास आ जाएगा बाय यूजिंग दिस रिजल्ट, दैट इज 3x-2 ग्रेटर देन और इक्वल टू 4 और 3x-2 लेस देन और इक्वल टू -4। एंड नाउ इट्स वेरी सिंपल, इन दोनों को सॉल्व करना बहुत सिंपल है, जस्ट ऐड 2, दोनों तरफ 2 ऐड कर देंगे, ग्रेटर देन और इक्वल टू 6, x ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, और यहाँ पर भी 2 ऐड कर देंगे, तो लेस देन और इक्वल टू -2 एंड x लेस देन और इक्वल टू थ्रू आउट 3 से डिवाइड कर देंगे, सो -2/3। तो फाइनली अवर सॉल्यूशन विल बी, क्योंकि और है तो यूनियन हो जाएगा, डेट इज़ 2, ∞ यूनियन -∞, -2/3। वेरी सिंपल, नेक्स्ट सेम ये रिजल्ट यूज़ करेंगे, दिस होल विल वर्क एज x, सो मॉड ऑफ x ग्रेटर देन 8/3, पुट एट द प्लेस ऑफ के 8/3 एंड पुट एट द प्लेस ऑफ x प्लस 1/3, तो दिस इंप्लाइज x प्लस 1/3 ग्रेटर देन 8/3 और x प्लस 1/3 लेस देन -8/3। जस्ट सॉल्व, 1/3 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो 8/3 -1/3 दैट इज x ग्रेटर देन 7/3, और फ्रॉम हेयर 1/3 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, उधर जाके हो जाएगा येस, अगर जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इट विल बी येस -9/3 डेट इज x लेस देन -3। तो फाइनली अवर सॉल्यूशन विल बी येस 7/3, ∞ यूनियन -∞, -3। ओके स्टूडेंट्स, सो इट्स वेरी सिंपल, नाउ लेट्स मूव फर्दर। ओके, तो अब बात करते हैं कि अगर आपके पास इस टाइप की जो लीनियर इनइक्वालिटीज़ हैं, अगर आपके पास एक साथ दो लीनियर इनइक्वालिटीज़ आ जाए, उनका एक सिस्टम आ जाए, तो उनको कैसे सॉल्व करेंगे। तो वेरी सिंपल, फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैन सी हेयर, आपके पास ये क्वेश्चन है कि आपको इन दोनों लीनियर इनइक्वालिटीज़ को सॉल्व करना है, तो सबसे पहले हम इन दोनों को इंडिविजुअली सॉल्व करेंगे, एंड वी नो अभी हमने बात की है, तो पहले इन दोनों को इंडिविजुअली सॉल्व कर लेंगे, इनके सॉल्यूशंस फाइंड आउट कर लेंगे, उनका जो कॉमन पार्ट होगा दैट विल बी रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर इन इक्वेशंस, राइट। तो लेट्स सी हाउ, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम इसकी बात करें, इसको सॉल्व करते हैं, सबसे पहले दैट इज मॉड ऑफ एक्स माइनस 1 लेस देन इक्वल टू 5, तो ये रिजल्ट हम यहाँ पर यूज़ करेंगे, इट विल वर्क एज एक्स, पुट एट द प्लेस ऑफ के 5, तो माइनस के लेस देन इक्वल टू एक्स माइनस 1 लेस देन इक्वल टू 5, डबल इन इक्वालिटी है, थ्रू आउट 1 को डिवाइड कर देंगे, सॉरी 1 को ऐड कर देंगे, तो -4 लेस देन और इक्वल टू एक्स लेस देन और इक्वल टू 6, तो ये आपके पास आ गया इसका सॉल्यूशन। सिमिलरली नेक्स्ट, तो बिल्कुल डायरेक्ट है, एक्स मॉड ऑफ एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, यहाँ पर रिजल्ट यूज़ करेंगे, दैट इज एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 और एक्स लेस देन और इक्वल टू -2,
इट इज़ टू कॉमा इन्फानाइट यूनियन माइनस इन्फानाइट कॉमा माइनस टू, वेरी सिंपल। एंड फाइनली जो हमारा सोल्यूशन रहेगा वो क्या रहेगा, इन दोनों का कॉमन पार्ट। तो जल्दी से एक बार देख लेते हैं नंबर लाइन की हेल्प से कि विच पार्ट विल बी कॉमन। यस 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो अकॉर्डिंग टू अवर रिक्वायरमेंट यहाँ पर हम नंबर लाइन बना लेंगे। चलिए अब बात करते हैं, सबसे पहले माइनस फोर या माइनस फोर से ग्रेटर एंड सिक्स से सिक्स से लेस। सो दिस होल पार्ट टू से ग्रेटर इधर जाएगा, माइनस टू से लेस इधर आएगा। तो लेट्स सी विच पार्ट विल बी कॉमन। एक पार्ट ये हमारे पास कॉमन आ जाएगा, डेट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू माइनस फोर, लेस देन और इक्वल टू माइनस टू, दिस पार्ट यूनियन। और सेकेंड हमारे पास ये पार्ट कॉमन आ रहा है, डेट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू टू, लेस देन और इक्वल टू सिक्स, राइट। तो दिस इज अवर फाइनल सोल्यूशन, राइट स्टूडेंट्स। सो इट्स वेरी सिंपल, नाउ लेट्स मूव फर्दर। ओके नाउ लेट्स डू वन मोर क्वेश्चन, और यहाँ पर देखते हैं एक और टाइप की इनइक्वालिटी को यहाँ पर सॉल्व करते हैं। डेट इज सॉल्व मॉड ऑफ एक्स माइनस वन अपॉन मॉड ऑफ एक्स माइनस टू ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो, एक्स कैन नॉट बी इक्वल टू प्लस माइनस टू। अगर हम टू पुट करेंगे तो डिनोमिनेटर में जीरो आ जाएगा, या माइनस टू पुट करेंगे तो डिनोमिनेटर विल बी जीरो। ओके चलिए, तो इस टाइप की लीनियर इक्वालिटी को सॉल्व करने के लिए कहीं ना कहीं इन्हीं रिजल्ट्स का हम यूज़ करने वाले हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, पुट मॉड एक्स इज इक्वल टू वाई, मॉड एक्स को वाई लेकर चलेंगे तो उससे काफ़ी सिंपल हो जाएगा। सो इट विल बी वाई माइनस वन अपॉन वाई माइनस टू ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। एंड स्टूडेंट इस टाइप की लीनियर इनइक्वालिटीज आई हैव डिस्कस्ड इन वन ऑफ माई प्रीवियस वीडियोस, सो डिस्क्रिप्शन बॉक्स मैंने लिंक में दे दिया है, तो वहाँ से आप उस वीडियो को देख सकते हैं और इस कॉन्सेप्ट को आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं, राइट। चलिए तो देखते हैं इसको कैसे यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि इन दोनों टर्म्स का जो डिवीज़न है डेट इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो, तो देर आर टू पॉसिबिलिटीज़, या तो दोनों ही पॉजिटिव होंगे तो ओवरऑल पॉजिटिव आएगा, या फिर दोनों न्यूमिरेटर और डिनोमिनेटर नेगेटिव होंगे देन ओवरऑल पॉजिटिव आएगा। तो देर आर टू पॉसिबिलिटीज़, वाई माइनस वन ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो एंड वाई माइनस टू ग्रेटर देन जीरो। और सेकेंड पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, वाई माइनस वन लेस देन और इक्वल टू जीरो एंड वाई माइनस टू लेस देन जीरो। ओके तो देर आर टू पॉसिबिलिटीज। चलिए तो फ्रॉम हेयर वाई ग्रेटर देन और इक्वल टू वन एंड वाई ग्रेटर देन टू एंड वाई लेस देन और इक्वल टू वन एंड वाई लेस देन टू। चलिए दोनों में कॉमन पार्ट चेक कर लेते हैं नंबर लाइन की हेल्प से। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे पहले ग्रेटर देन और इक्वल टू वन इस तरफ जाएगा, टू से ग्रेटर इस तरफ जाएगा, तो दिस विल बी कॉमन पार्ट, डेट इज़ वाई ग्रेटर देन टू, वाई ग्रेटर देन टू। एंड फ्रॉम हेयर वाई लेस देन और इक्वल टू वन इस तरफ जाएगा, लेस देन टू आपका इस तरफ जाएगा, तो व्हाट पार्ट विल बी कॉमन, विच पार्ट विल बी कॉमन, दिस डेट इज़ वाई लेस देन और इक्वल टू वन। ओके नाउ तो यहाँ पर वाई की सिर्फ हमने हेल्प दी थी इसको सिंपल करने के लिए। ओके अभी हम वापस एक्स में जाएंगे क्योंकि हमें रेंज तो एक्स की ही बतानी है, तो इट विल बी मॉड ऑफ एक्स ग्रेटर देन टू एंड दिस इम्प्लाइज मॉड ऑफ एक्स लेस देन और इक्वल टू वन। नाउ इट्स वेरी सिंपल, दोनों के सोल्यूशन हम बहुत ईजिली लिख सकते हैं, मॉड ऑफ एक्स ग्रेटर देन टू बाई यूजिंग दिस रिजल्ट। येस मॉड ऑफ एक्स ग्रेटर देन टू, दिस इम्प्लाइज एक्स ग्रेटर देन टू और एक्स लेस देन माइनस टू, डेट इज़ टू कॉमा इन्फानाइट यूनियन माइनस इन्फानाइट कॉमा माइनस टू। एंड सेकेंड मॉड ऑफ एक्स लेस देन और इक्वल टू वन, दिस इम्प्लाइज माइनस वन लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू वन, डेट इज क्लोज इंटरवल माइनस वन टू वन। ओके एंड फाइनली ये सोल्यूशन भी हो सकता है या फिर ये भी हो सकता है और है, तो रिक्वायर्ड जो हमारा फाइनल सोल्यूशन होगा डेट विल बी यूनियन ऑफ दिस टू सोल्यूशंस। सो फाइनली सोल्यूशन इज इक्वल टू टू कॉमा इन्फानाइट यूनियन माइनस इन्फानाइट कॉमा माइनस टू यूनियन माइनस वन कॉमा वन, राइट स्टूडेंट। सो इट इज़ वेरी सिंपल टू सॉल्व लीनियर इनइक्वालिटीज इन्वॉल्विंग मॉड्यूलस, राइट। तो स्टूडेंट्स अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो उसको लाइक एंड शेयर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट लिखकर मेरे साथ जरूर शेयर कीजिएगा, और अगर अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तो टिल नेक्स्ट लेक्चर टेक केयर।